لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. मैं सिर्फ एक गल सोच रहा कि बाबा जी जो सानू जज्बा दे के कहन किधरे हो, सर्दी ना ठंडा तो नहीं पै गया? कम अज कम इस तरह का नारा लाओ कि उन्हें भारतीय जालिम फौजियों के दिल तो पिस जाने इस नारे के नाल, कश्मीर फरोश, कश्मीर फरोश गलती नाल मुल्क का वजीर आजम बन गया, लेकिन कौम अजे भी उस तरह दमखम नाल जिंदा। कश्मीर फरोश को वजीर आजम बना दिता गया, लेकिन कौम अजे तक उस तरह गैरत नाल जिंदा। लाओ रुपए का नारा हो, सफारतकारी कर रही इतनी जी उम्र जमात भी हो कायदीन भी हो सारे असी समझ गए मुजाकरात ना गल नहीं बनती। सोरे बाजू आजमा शिकवा ना कर सयाद से फिर जोरे बाजू आजमा, फिर अमीर उल मुजाहिदीन कहते चलो मैं तुम्हें दस के दे गया, तुम जरा मेरे इतो काफला चलाओ तो सही। मेनू कारकुनान आके कहने जनाब जो असि रुकते सकता सी 5,000 7,000 10,000 5,000 जो असि चलते सगता सी लखा। मैं क्या अमीर उल मुजाहिदीन अपने रूहानी तसरफ नाल रब अपनी हिकमत नाल तुहानू दस रहे सी कि भाई टुरन च बरकत है बहन च नहीं, चलन च बरकत है बहन च नहीं। ते कश्मीर फरोश साहब मैं जड़ा पहले दिन तो कश्मीर वास्ते जिसने शहादत पाई और आखिर दिन तक बड़े बड़े रिजाल जिन्हें कश्मीर दे काज नूं जिंदा रखण वास्ते अपने खून दे नाल कश्मीर दे आजादी दे दिए नूं जलाया, शमा नूं रोशन रखिया, मैं उन्हां सारे नूं सलामे अकीदत पेश करदा। मैं उन सारों को सलामे अकीदत पेश करता हूं और रब से दुआ करता हूं, मौला 70 साल से जिस जिसने कश्मीर फरोशी के अंदर जो जो किरदार अदा किया, मौला हमारी आंखों के सामने उनको जलील फरमा, हमारी आंखों के सामने उनको जलील फरमा, हमारी आंखों के सामने उनको जलील फरमा, मौला हमारी इन कश्मीर फरोशों से जान छुड़ा। यार कमाल अली गाले जिन्हें दे असी खून चुआ जड़े साढ़े मुआशरे दी रिवायात हैं वह तो जट बन्ना नहीं कपड़ देंगे। यार पूरा कश्मीर लैके कोई बोलिया नहीं, जट एक दिन बाबा जी जट बनना कपड़ देने जी पूरा कश्मीर लेके जनाब चुप करके बैठे मर जाएगा कदे नहीं कपड़ देगा और पूरा कश्मीर दे के चुप करके बैठे हो। मैं गल तो ना अंदरों नच रहा और गल कोई होर नहीं, तुसी समझो अमीनी साहब ने जी जट बनना औरा नहीं करन दे, जी बनना औरा नहीं करन देंदे जट ते पूरा कश्मीर लेके जनाब ते सारे कुछ ताकत कर रहे हो फर ते जनाब प्रोटोकॉल ते ये वो की करिए तुहाडे इस प्रोटोकॉल नूं तुहाडियां ताकतां सानूं विखाउण वास्ते। मेरे आका ओ मौला ने फरमाया कौम दा सरदार कौम दा खादिम हुंदा, ओह आपणियां दे अगे नरम हुंदा ते दुश्मनां दे सामने तगड़ा हुंदा। इह जालिम सानूं इवें टकरे सानूं अखां विखाउंदे ते उत्थे उहनां दीआं
जनाब जुतियां साफ करते हैं, उन्होंने पैरन तोड़े पहने मैं एक गल तो अंदरों रख सचा, वो गल कोई और नहीं। डॉक्टर साहब ने फरमाया असि आख चुके हैं कि हथ कड़ी पा के भी लबैक, गोली खा के भी लबैक, शैल खा के भी लबैक, करेन दे ठप्पा ला के भी लबैक, सेरा पा के भी लबैक, कश्मीर जा के भी लबैक, मुकद्दस जा के भी लबैक, हर हाल च लबैक। क्योंकि साढ़े बाबा जी सानू दस के गए के भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने, जो सर ने साथ। ये तो बात ही कोई नहीं है, ये तो बात ही कोई नहीं है। हुजूर सारी कायनात भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। क्या किया था हजरत साहब बिन रफी ने गज़वा उहद में, जब सब कुछ जान निकल रही जान कुनी के आलम में, तो अपने जिस्म को घसीट कर अपनी गालों को हुजूर के कदमों पर रखा और फिर अर्ज की कि जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। इसका माना यह है, ये तो बातें कोई नहीं, सादा हर हाल इस नपै के हाल इस नपै के। और एक गल मैं अंदर रख से चा, पता है क्यों? वो गल है कि बाबा जी ने फरमाया सी भाई तुसी पुल बंद कर दियो, साढ़े मुन्या दरिया टप के भी चले जाना सी। मैं एक बंदे नु गल की थी, बड़ा जिम्मेदार सी, उन्हें कहा जी असी दरिया पानी सड़ जाना सी। मैं कहा तुहाड़े दरिया का पानी कितने तक उतर जा सकता सी? कहिंदा पुलों तक लग सकता सी। मैं कहा झलिया अमीर उल मुजाहिदीन जड़े आशिक छड़ के गए ना, उन्हों का इश्क सुरैया सितारे तो भी उत्ते करता था। तेरा पानी पुलों तक है, उन्हों का इश्क सुरैया सितारे तो भी उत्ते। और रक्स केड़ी गल छा कि बाबा जी ने फरमाया साढ़े मुंडिया दरिया पार कर देना सी। लेकिन लाओ जी जरा बाबा जी ने जरा फरमाया, मैं तुम्हें सुनाना चाहना कि वो जरा आई आई आजादी लाओ जरा एक बारी बाबा जी ने सिर्फ इतना फरमाया सी, मुंडे साढ़े पुल दरिया टप जाएंगे बगैर कश्तियां तो चले जाएंगे, लेकिन मेरा गौर इस गल से पे बाबा जी आ रहे वादा और जब खाली मुंह बने भी टप जाना तो टप जाना सी, इतने तो बाबा जी गए वादा। मैं रख से चा कि कश्मीर होना ही आजाद है, उस लब चो गल निकली हुई, खाली गल नहीं निकली हुई ना वादा भी होया। और ये कराना नब्बे तारे नहीं है, अल्लाह दी कुदरत नु की मंदरो कहने की है दीवाने। मैं कहा जो सारे इस्लाम नु बड़े बड़े रिजाल और बड़े बड़े नामी ग्रामी छड़ गया सन ना, ते रब ने खाना बदोशा उस्मानिया को इस्लाम दा काम ले लिया सी, ते साडी हैसियत भी खाना बदोशा दी सही, लेकिन इंतजार तो करो और तरह खड़ो तो सही और मंजर बनन तो दो। कश्मीर इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हर सूरत बनेगा, सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा। ये तो बात ही कोई नहीं, हर मुल्क मुल्क के मायस्त, हर मुल्क के हर मुल्क मिलके खुदा है मायस्त। और ये सारी जमीन साढ़े रब दी, ये सारी जमीन मेरे रब दी, इत सारे देते असि इंशाला लबैक का स्प्रे करना, सारिया नस्लां ने करना इंशाला, इस्लाम ने गालिब हो के रहना, बैतुल मुकद्दस ने आजाद हो के रहना, खून चाहिए ना, कुर्बानियां चाहिए ना, दे रहे हैं और हंस के दे रहे हैं, नाच के दे रहे हैं, कोई परेशानी भी नहीं, और हुण भी देने को तैयार हाँ, सुबह भी तैयार हाँ, हर लम्हे तैयार हाँ। कि साढ़े बाबा जी ने सानू फरमाया भूले न मरते मरते आधा में कुए जाना, फरमाया जगह तुम ये कहते हो अद्धी जान निकल चुकी होवे तामी जो कुछ हो सके उस दिन मिसल गाजी आमिर अब्दुल रहमान चीमा साहब है। बाबा जी ने मैनु शेर सुनाया, फिर इस तो बाद सुनाया, फरमाया जब गाजी साहब को लेके जा रहा सन ना, वो हिटलर की औलाद
जर्मनी आप बने होया सी आपके सामने फिर एक खंजीर ने दूर की गुस्ताखी की थी। आपने की फरमाया भाई हूं कुछ कर तो नहीं सकता। आपने बने हुए जिसम ना जंप लैके उन्हें मुंह से चुकया भूले न मरते मरते आजा के कुएं जाना जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। और इंशाल्लाह हम हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे, हुजूर के दीन को, किसी मौलवी को नहीं, किसी पीर को नहीं, किसी फकीर को नहीं, हुजूर के दीन को। और जब हुजूर का दीन तख्त पर आएगा तो फिर देखना सही, कश्मीर की बेटियां रोएंगी नहीं, बल्कि कश्मीर की बेटियां वहां दफ के साथ तलाल बदलवा लेना पड़ेगा इंशाल्लाह। देखना तो सही वो सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह ताला, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जब बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो रहे थे ना, तो फिर माओ बेटियों ने वज्द में आके अपने दुपट्टे उतार के उनकी सवारी के नीचे फेंके, तो आपने बागे घोड़े की खींच ली और ऐसे दुपट्टा उठाकर गिराया, फरमाया हम इनको पाँव के नीचे रोंदने के लिए नहीं आए, हम तो इनकी इज्जत और बढ़ाने के लिए आए हैं। तो कश्मीर की बेटियों हम आपसे ये वादा करते हैं कि ये जो हमें कश्मीर फरोश मिले हुए हैं ना, पहले इनसे हमें जान छुड़ा लेने दो, फिर आए आपकी जान भी इंशाल्लाह। हमारी नस्लों में से हम में से रब को जैसे मंजूर हुआ, हम अपनी आंखों से देखेंगे कि कश्मीर आजाद होगा। सफारतकारी से नहीं, सफारतकारी से नहीं हो सकता यार। कोई मानता है बगैर जोर के लोकी मंदे जोरानू लखलानत कम दौरानू लखलानत कम दौरानू। ओ अच्छा कमजोर वो लखलानत जड़ा ताकत होने कमजोर बने उसने सौ वाली लखलानत। अल्लाह ताला तानू तो मैनू हुजूर दी मोहब्बत अदा फरमाए और सानू इसे तरह जज्बे नाल पुर हो गए हुजूर दे दीन वास्ते काम करने की तौफीक अदा फरमाए। और खाली गल्ला ना नहीं काम करना, असी तुहाडे सामने हर हाल अमली मैदान च, तुसी हर हाल अमली मैदान च रहना और असी देखांगे इंशाअल्लाह कि इस तरह झाड़ू हूं फिर जाएगा इन्हां दा इंशाअल्लाह। हर पासों लबैक लबैक की सदा आएगी। मैं छोटे छोटे बच्चे देख रहा सा, वो भी कह रहा सा कि ओ लबैक आले जा रहे ना, ते मुस्तकबिल गोदन खेड़ रहा यार तुसी कदे तो परेशान हो, तैयार हो इंशाअल्लाह असी हुजूर दे दीन नूं तख्ते लियावांगे। और इस पाकिस्तान दे अंदर हकीकी माने जो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूरे रियासत क्या होगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।